तो फ्रेंड्स, अलंगड़ किले को एक्सप्लोर कर किले की इस खड़ी चट्टान से रैपलिंग करते हुए नीचे उतर अब हम चल रहे हैं मलंगगढ़ की तरफ। अलंग किले की दीवार के पास से ही पूरा घेरा डालते हुए हम मदन किले के पास पहुंचेंगे। अलंगड़ के क्लाइंबिंग तक का ये पैच लगभग 2 घंटे का है, जिसमें शुरुआती पैच घनी झाड़ियों में से निकलता है। भयंकर घनी झाड़ियाँ और सर पे तपते सूरज की वजह से गर्मी और उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में ट्रेक करना ट्रेकर्स को जबरदस्त थका देती है। और इस जंगली पैच में से बाहर निकलते ही एक बड़ा सा चट्टानी इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक तरफ है हजारों फीट की गहरी खाई तो दूसरी तरफ है हजारों फीट ऊंचे पहाड़। और इन दोनों के ही बीच में से एक पतली सी पगडंडी पे चलते हुए हम मलंगगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरफ है अलंगगढ़ और इस तरफ है मदनगढ़ और ये बीच में एक बड़ा सा दर्रा है। इस दर्रे के पास से ही ये जो पेड़ों की लाइन जा रही है, यहाँ से होते हुए हमें इस तरफ से किले के ऊपर चढ़ना है। और ये है वो दर्रा जहाँ फिलहाल हम खड़े हैं। इस तरफ है मदनगढ़ और इस तरफ है अलंगगढ़। इस मदनगढ़ के पूरे पहाड़ पर अभी हमें चढ़ना है। आज का अपना नाइट स्टे मदन किले पर ही होने वाला है, साथ में टेंट है तो किले के ऊपर ही टेंट लगाकर नाइट स्टे करेंगे, वहीं पर खाना बनाएंगे। किले के ऊपर रात के समय ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए बॉनफायर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाना बनाने के लिए भी लकड़ियाँ चाहिए रहेगी और बॉनफायर के लिए भी, इसलिए यहाँ जंगल में से ही अब लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है। एक भाड़ा मैंने ले लिया है, दूसरा मनोज के पास है। चलिए ये लकड़ियाँ लेकर ऊपर किले की तरफ अब चलते हैं। लकड़ियों का वजन तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऊपर बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है और थोड़ी सी भी लकड़ी नहीं मिलेगी ऊपर। जय बजरंग बली। मनोज एक तुझे गड़ा है ना, ओके। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं मदनगढ़ किले के रॉकी पैच के पास, जहां पर इस पहाड़ से बिल्कुल सट कर ही हमें चलना पड़ता है क्योंकि इसके दूसरी तरफ है हजारों फीट की गहरी खाई। और यहीं पर एक वाकया या हादसा मेरी राह देख रहा था। वाला पोर्शन सबसे ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर देखिए रस्सी लगी हुई है, इस रस्सी को पकड़ के आगे चलना है। बिना रस्सी के यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बच गया, बच गया साला। फ्रेंड्स, इस पैच पर बाल बाल बचा हूं वरना आज नीचे लुढ़कना पक्का था। चलिए, अरे पाए सरकल उधर लटक लो उधर थी तुम्हें। और यहाँ पर हम पहुँचते हैं किले की क्लाइंबिंग पॉइंट के पास, जहाँ पर लगभग 100 फीट की खड़ी चट्टान पर रस्सी के सहारे ही ऊपर चढ़ना है और वापसी के रास्ते में यहीं से वापस रैपलिंग कर नीचे उतरना है। इतिहास काल में यहाँ पर किले पर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि पहाड़ में चट्टानों को काट कर ही बनाई हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा करने के बाद इन सीढ़ियों को बारूदी सुरंगें लगाकर तोड़ दिया ताकि किले पर कोई भी वापस ना जा सके। लगभग 150 से 200 फीट का ये पैच केवल रस्सी लगाकर ही पार किया जा सकता है। रस्सी लगाकर ही हम यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं। इसके अलावा इस किले पर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है, इस वजह से बरसात के सीजन में इस किले का ट्रैक पूरी तरह से बंद हो जाता है। चढ़ो। क्लाइंबिंग का ये भाग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर 90 डिग्री की इस खड़ी चट्टान पर सीधा चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर हाथ और पैर दोनों की ही भरपूर और पूरी ताकत लगानी पड़ती है, तब जाकर हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ पाते हैं। और यहाँ पर पकड़ने के लिए नाक के बराबर ग्रिप है, इस वजह से लगभग पूरा जोर रस्सी पर ही रहता है। फ्रेंड्स, ये पैच पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, खतरनाक है, खतरनाक ट्रैक। 2 बार बचाऊ, आज तक का सबसे खतरनाक ट्रैक है दोस्तों। इतना हॉरिबल जबरदस्त एडवेंचर्स ट्रैक नहीं देखा, हाथ पूरे लाल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली क्लाइंबिंग का पैच पार कर लिया, अब सीढ़ियों की तरफ चल रहे हैं।
सनसेट होने को आ गया है तो अंधेरा होने से पहले ऊपर पहुंचना है। और यहाँ से शुरू होता है इस किले का सबसे खतरनाक पैच। खतरनाक है ये पैच? यहाँ पर बहुत ध्यान देकर और संभल कर चलना है दोस्तों। थोड़ी सी भी लापरवाही हमें 3000 फीट की खाई में ले जाएगी और हाथ पैर कांप रहे हैं ऊपर चढ़ते हुए। जहाँ पर मुश्किल से 1 फीट चौड़ी पगडंडी पर चलते हुए इस किले के टॉप पर पहुँचना है। ये देखिए, यहाँ पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, बस लटक कर ही चलना पड़ता है और दूसरी तरफ 2000 फीट की खाई है। थोड़ा सा भी चांस नहीं है लापरवाही का या थोड़ी सी भी गड़बड़ करने का। ये देखिए, इस तरफ पूरी गहरी खाई है, थोड़ा भी बैलेंस गया तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो रस्सी भी नहीं है। एक बार बच चुके हैं, भगवान दूसरा मौका नहीं देता है। अब आखिर तक सीढ़ियाँ हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलिए। लेकिन अभी काफी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है। लेकिन आगे आने वाली सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक है कि जिनका होना या ना होना एक बराबर है। मनोज हलू, ये आराम आती है, यहाँ पूरा फुल टॉस है और ये देखिए पकड़ने के लिए भी कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल सट कर चलना पड़ रहा है। और यहाँ से शुरू होती है किले की पत्थर में उकेरी हुई सीढ़ियाँ जो कि लगभग किले के टॉप तक जाती है। लेकिन इन सीढ़ियों की बनावट भी बहुत ज्यादा मुश्किल भरी और बेहद ही खतरनाक है। लास्ट पैच है लेकिन पूरा दम निकल गया है, ये बहुत खतरनाक है पैच आगे का। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ना पास में रस्सी है ना थोड़ी सी भी जगह है सरकने के लिए। जिसे भी ऊंचाई का फोबिया है या ऊंचाई से डर लगता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए, उनका यहाँ कोई काम नहीं है, मौत को बुलावा है सीधा। बाप रे, हाथ कांप रहे हैं, यहाँ पर हाथ कांप रहे हैं। नहीं खतरनाक गई थे, एक फुर्ची सीढ़ी है वो वक्त। खतरनाक। और इन सीढ़ियों के आखिरी भाग में किले का टूटा हुआ प्रवेश द्वार और एक छोटी सी गुफा नजर आती है जहाँ पर सैनिक आराम और इस प्रवेश द्वार की निगरानी किया करते थे। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा बनी हुई है और यहाँ से और ऊपर तक चलना है अभी। तो फ्रेंड्स, ये खतरनाक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फाइनली पहुंच गए हैं मलंगगढ़ के टॉप पर। अब सबसे बड़ा डर है कि कल सुबह ये सीढ़ियाँ वापस कैसे उतरेंगे। चलिए अब यहाँ से गुफा की तरफ चलते हैं, जहाँ पर अपना टेंट लगेगा वहीं पर अपन खाना बनाएंगे। यहाँ पर एक गुजरात का ट्रेकिंग ग्रुप भी आया हुआ है तो वो भी हमारे साथ ही यहाँ पर कैंप लगा के रहेंगे और कल सुबह वापस ये सब लोग नीचे उतरेंगे। मलंगगढ़ के टॉप से अलंगगढ़ का पूरा व्यू दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ पर अपने खाने की तैयारी हो रही है, चावल उबाले जा रहे हैं। ये देखिए, मनोज गोभी काट रहा है और गौतम आलू काट रहा है और मैं यहाँ पर बैठ के शूटिंग कर रहा हूँ। बस काफी सारी लकड़ियाँ भी है अपने पास में, टेंट हम लगाएंगे ऊपर गुफा के पास ताकि रात के वक्त अगर ठंड पड़े तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। मनोज दमलस कह रहे हो? नहीं दमलस, अजी बात नहीं। और सुबह के 9 बजे मैगी खाने के बाद अब सीधा शाम के 7 बजे खाना मिल रहा है दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बजे हैं और सबसे पहले गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से किले की खतरनाक सीढ़ियाँ नीचे उतरना शुरू करते हैं। ये सीढ़ियाँ नीचे उतर हम रैपलिंग पॉइंट तक पहुँचेंगे और फिर वहाँ से नीचे उतर कुलंगढ़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। मलंगगढ़ किले पर कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन किया हुआ नहीं है, यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है, यही यहाँ का आसरा है। अगर बरसात शुरू हो जाए या ज्यादा धूप आए तो इसी गुफा में हम आसरा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी छत नहीं है। इस गुफा के अलावा यहाँ पर केवल 2 पानी के होद है जिनमें भी पानी लगभग 4-5 महीने तक ही टिका हुआ रहता है, उसके बाद में ये भी सूख जाता है। और अब किले से वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं। ये सीढ़ियाँ खतरनाक है दोस्तों, जबरदस्त खतरनाक सीढ़ियाँ है ये। ये देखिए, यहाँ से सीधा फुल टॉस है। अरे ये तो पैर, अरे अजीब जगह नहीं है इधर धराइला, यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है दोस्तों, पूरा चिपक के चल रहा हूँ। पीछे की साइड में पूरा फुल टॉस है, 3000 फीट की खाई है, थोड़ा भी नहीं बचा हो सकता और यहाँ पकड़ने के लिए भी कुछ भी नहीं है,
बस इस चट्टान को सटक कर चल रहा हूँ। थोड़ा भी बैलेंस गया तो नीचे है सीधा। बाप रे हड़ू मनोज, हड़ू अरे आराम आती है, हड़ू हड़ू एकदम धीरे धीरे। अरे ये सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक सीढ़ियाँ नहीं देखी। यहाँ कोई भी तरह का बोल्ट नहीं लगा सकते क्योंकि पत्थर पूरे अस्थिर हैं और जरा सा भी रस्सी लगाने का कोई चांस नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ से सीधा पुलटों से सीधा नीचे लुढ़क सकते हैं। सुना ना फॉल है रे, इतना उल्टा सा इतना। यहाँ पर पूरा फुल टॉस है और केवल एक फीट की पगडंडी है। इस पगडंडी को बिल्कुल चिपक के चलना पड़ रहा है, उतरना बहुत ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। ये देखिए, एक फीट की पगडंडी है और इस तरफ 3000 फीट की खाई है। थोड़ा सा भी बैलेंस गया तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, हड्डियां भी नहीं मिलेगी। वापस नीचे उतरते हुए जबरदस्त डर लगता है। बाप रे खतरनाक यार, अरे मने कुटा अंडलस रे, जबरदस्त है यार। और मदनगढ़ की इन खतरनाक सीढ़ियों के पैच को पार कर हम फिर से पहुंचते हैं रैपलिंग पॉइंट तक, जहां से रस्सियों के सहारे हमें किले से नीचे उतरना है। अंदाजन 100 से 150 फीट की इस खड़ी चट्टान को रैपलिंग से पार करते ही हम मलंगगढ़ से पूरा नीचे उतर जाएंगे। पिछले कुछ सालों में लगातार हो रही रैपलिंग और क्लाइंबिंग की ट्रैक की वजह से रैपलिंग और क्लाइंबिंग के कई पॉइंट सीख चुका हूँ। ये आरामात आरामात, हळू 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 रिलॅक्स। सगळ्यात रिस्की पॅच कुठे खाली कुठे बरे गेलो, खाली इकडेच गेलो असतो। यस, यही पॅच है, जाते वक्त यहीं पर लटका था, इसलिए इस बार कैमरा हाथ में नहीं लिया और बस बिना रस्सी के आ गया। चलिए मौत से निकल के आया हूँ दोस्तों। और अब यहाँ से शुरू होता है मलंगगढ़ से नीचे उतरने का फाइनल ट्रेक। हाँ बहुत जबरदस्त है, और मलंगगढ़ किले का ये आखिरी सीढ़ियों का पैच पार करते ही हम फिर से पहुंच जाते हैं जंगली इलाके में। कुलंग किले पर जाने के लिए मदन किले का पूरा राउंड मारना पड़ता है और काफी लंबा और पूरे झाड़ियों में से ही निकलता है ये पूरा रास्ता। इस किले के पहाड़ के बिल्कुल पास से सट कर हम चल रहे हैं और लगते लगते कुलंग तक पहुंचेंगे। इस रास्ते में कई कई जगहों पर इतनी बड़ी और घनी झाड़ियां हैं कि आदमी आसानी से पार भी नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल से झाड़ियां हटाकर रास्ता बनाना पड़ता है। कुलंग तक का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, पूरे झाड़ियों में से ही निकल रहे हैं, बहुत ही घनी झाड़ियां हैं। यहाँ पर इन झाड़ियों की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरफ देखिए, हजारों फीट की खाई है, गजब का नजारा है। यहाँ पर ये चट्टाने नीचे गिरकर पूरा रास्ता बंद हो चुका है। पूरे रास्ते में चट्टाने पहाड़ से नीचे टूट टूट कर गिरी हुई है, कहीं पर भी रास्ता नहीं है ठीक से। जो भी पगडंडी थी वो पूरी खत्म हो चुकी है, बस पत्थरों के ऊपर से ही चल रहे हैं। ये देखिए, बस कीड़ों की आवाज आ रही है और कोई आवाज नहीं है आसपास, क्योंकि हम तीनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है कुलंग किले पर। सब थक के चूर हो चुके हैं, यहाँ बैठा है मनोज, वहाँ बैठा है मुकुंद और मैं जगह ढूंढ रहा हूँ बैठने के लिए। जबरदस्त हालत खराब हो गई है, अभी कुलंग काफी दूर है और पूरा ड्रेन हो चुका हूँ। अरे मनोज, हे नेड़ा अजून तेवढं दूर दिसायला गेले, एक तास अगोदर पण तेवढं दिसत होतं, आता पण तेवढंच आहे। जवळ चाललोय का दूर चाललोय रे बाबा, हे घंटे से चल रहे हैं लेकिन रास्ता बिल्कुल नहीं कट रहा है। जो पिनाकल देखा था वो एक घंटे पहले जितना दूर दिखाई दे रहा था अभी भी उतना ही दूर दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे एक ही जगह पर खड़े हैं एक घंटे से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जगह जगह ये चट्टाने टूट कर गिर रही है और ये पूरी अस्थिर चट्टाने हैं। ये देखिए, ये किसी भी वक्त आकर नीचे गिरेगी। ये पूरा पैच बहुत ज़्यादा रिस्की है, ऐसे पैच को जल्दी से जल्दी पार किया हुआ अच्छा रहता है क्योंकि ये चट्टाने बिल्कुल अस्थिर है
और कभी भी नीचे आकर गिर सकती है, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलना अच्छा है। कुलंग किले पर जाने के लिए मलंग किले के पहाड़ से बिल्कुल सटकर ही चलना पड़ता है और इस पहाड़ को पूरा राउंड मार कर ही हम कुलंग तक पहुँचते हैं। वो लगभग 3 घंटे का जंगल और खतरनाक पहाड़ियों में से ट्रेक करते हुए फाइनली हम पहुंचते हैं कुलंग किले के बेस के पास, जहां पर जंगल के रास्ते में से होते हुए एक बड़ा सा पहाड़ चढ़ हम पहुंचते हैं किले की सीढ़ियों के पास, जो कि लगभग 70 से 80 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। और यहां से शुरू होती है कुलंगढ़ किले की लगभग 70 डिग्री के कोण पर बनी हुई ना खत्म होने वाली खतरनाक सीढ़ियां। ये सीढ़ियों का पैच भी बहुत खतरनाक है दोस्तों, ऊपर चढ़ने में हालत खराब हो जाती है और सूरज अब माथे पर आ गया है। कई जगहों पर आड़े तिरछे मोड़ के साथ बनी हुई ये सीढ़ियाँ पहाड़ में चट्टानों को काट कर ही बनाई हुई है। लेकिन जगह जगह ये सीढ़ियाँ पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, ऐसे पैच को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सीढ़ियों के आखिरी भाग का निर्माण कुलंग किले के पहाड़ से बिल्कुल सट कर ही किया हुआ है, जिस वजह से भरी दोपहर में भी थोड़ी सी छांव मिल जाती है। और फाइनली हम पहुंचते हैं किले के एक छोटे से प्रवेश द्वार के पास, जिसे पहाड़ में चट्टानों को काट कर ही बनाया हुआ है। इस प्रवेश द्वार से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पास में ही सैनिकों के आराम करने की देवड़ियां बनी हुई है। और ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से इन सीढ़ियों से अभी हम ऊपर आए हैं और इस तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ से हम नीचे से आए हैं। और यहाँ से शुरू होता है इस किले पर चढ़ने का खड़ी सीढ़ियों का फाइनल पैच, जो कि ट्रैकर्स को पूरी तरह से थका देता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच गए हैं कुलंगढ़ के टॉप पर। लगभग 3.5 से 4 घंटे लगे हमें मलंगगढ़ से कुलंगढ़ पर आने के लिए। अब चलिए, यहाँ पर कुछ राजवाड़े और पानी के होद बने हुए हैं, इन सभी वास्तुओं को देखते हैं। इस तरफ पानी के होद है और इस तरफ राजवाड़ा बना हुआ है। हालांकि ये सारे खंडर अवस्था में है, लेकिन ये सब हमारी धरोहर है, हमारा इतिहास है। इन सारी वास्तुओं को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं किले की चट्टानों को काट कर बनाए हुए पानी के होद के पास। ये पूरे लाइन से पानी के होद बने हुए हैं और इन सारे होद के अंदर पानी टिका हुआ है। यहाँ पर पानी काफी साफ भी है, तो पानी यहाँ से हम रिफिल कर सकते हैं, पीने का पानी मिल जाएगा आराम से। और नाइट स्टे करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह है, क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल है और गुफा के अंदर हम रुक सकते हैं। ये देखिए, पहाड़ के अंदर चट्टानों को काट कर लाइन से इन पानी के टैंक को बनाया गया है और लगभग 8 से 10 महीनों तक इन पानी के टैंक में पानी भरा हुआ रहता है। अब यहाँ से चलते हैं गुफा की तरफ और उसी तरफ कुछ वास्तुएं और कुछ राजवाड़े बने हुए हैं, उन्हें देखते हैं। ये है कुलंग किले पर बनी एकमात्र गुफा, जिसे चट्टानों को काट कर बड़ी ही कुशलता से बनाया गया है। यहाँ पर एक एंट्रेंस है और इस तरफ से भी एक एंट्रेंस है। इस गुफा का अंदरूनी भाग काफी बड़ा है, जो कि कई कमरों में बटा हुआ है। इसमें 50 से 70 लोग आराम से रुक सकते हैं। और इस तरफ भी एक गुफा है और इस गुफा के पास में ही हमें कुछ पुरातन राजवाड़े के अवशेष भी दिखाई देते हैं। ये काफी बड़ा राजवाड़ा है, इसकी लगभग 3 फीट की दीवारें काफी अच्छी कंडीशन में है, यानी कि पूरा बेस अच्छी तरह से दिखाई देता है, लेकिन ऊपर की दीवारें और छत पूरी तरह से टूट चुकी है। बाकी 2 किलों की तरह ही इस किले के इतिहास के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है पक्की, कहीं भी कोई ज्यादा उल्लेख किया हुआ नहीं है। बस इतना ही पता है कि सातवाहन राजाओं के समय इस किले का निर्माण किया गया था और उसके बाद में कई सारे सत्ता परिवर्तनों के साथ यहाँ पर कई सारे शासकों ने राज किया। तो चलिए दोस्तों, अब कुलंगढ़ से वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं। यहाँ से नीचे उतरना भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ से नीचे उतरना बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलिए आपको ये नीचे उतरने का थ्रिलिंग पैच भी दिखाता हूँ। बाप रे, खतरनाक है। कुलंग किले से वापस नीचे उतरने का ट्रैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लगभग 70 से 80 डिग्री के कोण पर बनी ये खड़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरते वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती है।
ऊपर चढ़ते वक्त हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर काम करते हैं, लेकिन नीचे उतरते वक्त पूरा बैलेंस केवल पैरों पर ही रहता है। और नीचे उतरते वक्त सामने दिखने वाली खाई की वजह से डर और ज्यादा बढ़ जाता है। नीचे उतरते वक्त ये सबसे खतरनाक पैच है दोस्तों। आराम से, पूरे ड्रेन हो चुके हैं, ताकत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नीचे पूरा जाना पड़ेगा। यहाँ पर उतरना, पत्थर सपोर्ट के लिए भी कुछ नहीं है और इन खांचों में जल्दी से हाथ नहीं डाल सकते। खतरनाक है। स्टेप्स खत्म, अब वापस जंगली एरिया शुरू। चलिए, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर इस जंगल के अंदर से चलना है हमें मदनगढ़ के बेस के पास में। वहाँ पर अपने बैग रखे हुए हैं और वहाँ से हम उदड़ेवाड़ी की तरफ आगे निकलेंगे, जहाँ से हमें लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे गांव तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया पार करना है।